एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं गार्नियर स्किन नेचुरल मिसेलर, ये जो मेकअप रिमूव करने के लिए आता है। आप देख रहे होंगे आजकल ये बहुत ट्रेंड में है, तो मैं आज इसका आपको फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, ये ऑल स्किन टाइप के लिए होता है, और ये जो मेरे पास येल्लो वाला है ये वाटर प्रूफ मेकअप के लिए होता है, और जो पिंक वाला आता है इसमें वो होता है डेली बेसिस का जो मेकअप होता है उसके लिए। पर मैं दोनों के आपको फ़ायदे बताऊँगी कि क्या क्या है और आपको कौन सा खरीदना चाहिए। तो ये आपके स्किन को बहुत क्लींस करता है, नरिशमेंट देता है, और आप इसको अपने फेस पे, आईज पे, लिप्स पे लगा सकते हैं। और ये नॉन ग्रीसी है, टेस्टेड भी है। इसकी जो रेंज है ये मेरे पास, पहले क्वांटिटी बता देती हूँ, 125 ml की है, और इसकी जो रेंज है वो है 225 rupees। तो ये जो ऑयल है काफ़ी अच्छा है। मैं आगे आपको इसके बारे में पहले यूज़ करके दिखा देती हूँ, आगे इसके बारे में बताऊँगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, चलिए मैं शुरू करती हूँ। यहाँ पे मैं आपको ये फाउंडेशन अप्लाई करके दिखा रही हूँ, हैंड टू हैंड रिजल्ट दिखाऊंगी। तो आप अगर बाहर जाते हैं और फाउंडेशन अप्लाई करते हैं इस अपनी स्किन पे, मेकअप करते हैं, तो उसके लिए जो गार्नियर का मेकअप रिमूवर है ये काफ़ी अच्छा है। तो अभी मैं आपको यहाँ पर देखिए फाउंडेशन अप्लाई कर लिया है। अब थोड़ी सी मैंने कॉटन ले ली है, तो इस पर हम एक ड्रॉप लेंगे ओनली, और एक ही ड्रॉप से मैं आपको थोड़ा सा हटा के दिखाऊंगी। वैसे इसमें लिखा हुआ है कि आपको रब करने की ज़रूरत भी नहीं है, ये इजीली हट जाता है, पर यहाँ पर जब फाउंडेशन हटाना है, हैवी मेकअप हटाना होगा, तो इसको थोड़ा रब तो करना पड़ेगा, और एक ही बार में इससे पूरा मेकअप हट जाता है। आप देख पा रहे हैं कितना अच्छे से इसका मेकअप रिमूव हो रहा है इससे। तो आगे मैं बिना मेकअप के भी इससे इसको यूज़ करके दिखाऊंगी। जो नॉर्मल मेकअप आप करते हैं उसके लिए इसका पिंक वाला शेड आता है, मतलब पिंक वाली बोतल आती है, बट ये ही उसके लिए काम करेगा। तो ये मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। तो आगे मैं आपको नॉर्मल मेकअप के लिए इसको दिखाती हूँ। अगर आपने नॉर्मल मेकअप किया हुआ है, आप जैसे डेली बेसिस पे मेकअप करते हैं उसके लिए भी, तो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने हल्का सा फाउंडेशन अप्लाई किया, आपको दिख भी नहीं रहा होगा, तो उसको मैं अगर हटाती हूँ तो इससे वो ईजिली देखिए हट जाता है। तो देखिए थोड़ा सा डर्ट भी निकल रही है और हल्का सा फाउंडेशन भी निकल गया है। तो सेकंड, अब मैं आपको लिपस्टिक इससे हटा के दिखाऊंगी, तो मैं और अच्छे से अपना जो मेकअप वगैरह है वो हटा लेती हूँ। इससे स्किन काफ़ी अच्छी हो जाती है, और एक मॉइस्चराइजिंग आपको स्किन मिलती है, आपकी स्किन बहुत हाइड्रेटिंग हो जाती है। ये देखिए कितना अच्छे से आपकी स्किन पूरी क्लीन हो चुकी है, और आपको इसको ज़रूर ट्राई करना चाहिए अगर आप कोई मेकअप रिमूवर ढूँढ रहे हैं तो, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको हटा सकते हैं। आगे मैं आपको इससे लिपस्टिक रिमूव करके दिखा रही हूँ। ये देखिए एक ही बार में बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिल जाता है, तो ये एकदम पैसा वसूल प्रोडक्ट है, तो आपको इसको ज़रूर ख़रीदना चाहिए मेकअप हटाने के लिए। तो मैंने ये हटाया पूरी लिपस्टिक एक ही बार में, मतलब दोबारा लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको इस प्रोडक्ट को। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको इसको यूज़ करना है। आपको मेरा भी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।